मसा मसा तो केजरीवाल ने अपने होने वाले जवाई को पंजाब गिफ्ट दिता सीगा, भगवंत मान वो भी खोन लग गया उते। और हुण देख लो 18 तरीक नूं जाके गांधी जी की मूर्ति मूहरे बैठणगे 92 गूंगे ते नाल केजरीवाल इहनां दा जिहड़ा मास्टर उह भेडां नहीं हुंदियां पहाड़ ते मूहरे मूहरे तुर रहा हुंदा, मैं हुण नाम लऊंगा नहीं, फिर चीकां मारनगियां भेडां इह ते उह मूहरे मूहरे तुर रहा हुंदा भेडां पिछे पिछे, जो खाई च गिर जावे ना भेडां भी खाई च गिरदियां, सोचदे नहीं क्या होया। हुण 92 भेडां जाके महात्मा गांधी दी मूर्त मूहरे बैठणगियां और केजरीवाल कहूगा बापू जी हमें बचा लो गुजरात आपका ही है, तो हुण गुजरात इलैक्शन लड़न वास्ते भेडां लेके उत्थे बैठेगा इह कि जिवें केजरीवाल मूर्ख बना रहे ना सारिआं नूं, तो भगवंत मान सोच रहा शायद मैं भी हूँ केजरीवाल मुख्यमंत्री मैं बन गया तो मैं सूबे का इकलौता मुख्यमंत्री है तो मैं भी लोगों का फुद्दू खिंच के देख लवा, पर पंजाब वाले ने यह इन्नी छेती काबू नहीं आती। अज हो तो गया ये हूँ भगवंत मान जी दस दिओ तुसीं उह किहड़ा काम था जिहदी तुसीं गल अज अखबारां 'च कढ़ाई है कि भी काम बोलदा, वह किहड़ा काम बोलदा, साढ़े तो काम बोलदा हुंदा, ये काम कूम तो इधर इधर पूर्वियों से बोलता हों, हूँ कि पूर्वी वाला काम है वो दस दें तो सारे पंजाब वाले तैयार रहन हूँ बीजेपी के वर्कर बनने वास्ते और अपने आप को बीजेपी का कहाण वास्ते। वो बीजेपी जिन्हों पंजाब ने कभी घा नहीं पाया, कभी नेड़े नहीं लगन दिया, हूँ थोड़ा वो बीजेपी वाला कह के आम आदमी पार्टी संबोधित करेंगे, तैयारी खिंच लो अपनी। हूँ वो पंजाब है, एक बार बन लो दोबारा नहीं बनते, एक बार भी मूर्ख बना लिया तो दोबारा नहीं बनते। भी आम आदमी पार्टी के पंजाब के एम एल ए जो 25-25 करोड़ खरीदने की कोशिश की जा रही है, एक एम एल ए ने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी उठ के कहा भी मैंने धमकियां आ रही हैं। और संदीप पाठक ने जोड़ा यूपी वाला पूर्वी है जो वाला वो स्कीम घटता है भी आप चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ जाना प्रभाव जाएगा, मीडिया कहेगा देखो देखो धमकी आ गई। हरपाल चीमा कहता जी मीडिया ने कहा सू दसो तत्थ दो जी सारे, वो कहना डी जी पी कंप्लेट दे के सारी कंप्लेट मीडिया से वंडी जाऊगी, किनू बंडी भी कंप्लेंट। जिहड़ी भारतीय राजनीति आ, भारतीय राजनीति दे विच एम एल ए दी खरीदो फरोखत भारतीय राजनीति मत्थे दे उत्ते कलंक बन गई है। आए दिन खबरां आउंदियां ने, कदे महाराष्ट्र दे विच, कदे दिल्ली दे उत्तों खबरां आउंदियां ने, कदे झारखंड तो खबरां आउंदियां ने कि किसी पार्टी दे 20-25 एम एल ए नूं दूजी पार्टी खरीद के अपनी सरकार बना जाती है तो मौजूदा सरकार नूं ढा जाती है। ये वाकई सवाल आ भारतीय राजनीति के उत्ते भी कि जिहड़े लोगों ने अपनी मत दा दान किया और जिहड़ी विचारधारा नूं किया, जिहड़ी पार्टी नूं किया, वो सारी पार्टी के बंदे जिहड़े एम एल ए आ जिते हुए वह उन्हां एम एल ए नूं कोई होर खरीद के लै जांदा, कित्थे गई विचारधारा, कित्थे गया लोक मत, सवाल खड़े हुंदे ने। अज फिर चर्चा दे विच आ जदों जिहड़े केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी बयान दिंदे आ कि भाजपा साडे एम एल एज़ नूं 25-25 करोड़ दे विच खरीदण दा यतन कर रही है। दूजे पासे जिहड़े भाजपा दे नेता ने, हालांकि उन्हां दा इह कहिणा कि इन्हां एम एल ए नूं कोई 25 पैसे च ना खरीदे, पर बयान आ रहे आ, पिछे वजह की आ, क्यों बयान आ रहे आ, कदे इह जिहड़े मुख्यमंत्री आ भगवंत मान जी ये कह रहे हैं कि BMW नाल साडी मीटिंग होई आ, समझौता होया, वो इत्थे आएगी, ये सारे बयानबाजी के पिछे सच्चाई की आ। साडे नाल ने उगे विद्वान एडवोकेट सतवीर सिंह जी वालिया, सत श्री अकाल जी वाली साहब। सत श्री अकाल थोड़े थोड़े सारे श्रोतियां नूं। वाली साहब जिहड़ा वर्तारा चल रहा खरीदो फरोखत दा, पहलां तां इहनूं किद्दां देखदे हो, की समझदे हो इस वर्तारे बारे? देखो साडा देश एक लोकतांत्रिक देश है, साडे देश की डेमोक्रेसी का एक वड्डा कलंक जिहड़ा हैगा खरीदो फरोखत हैगी है, चाहे वह मैंबर पार्लीमेंट होण, चाहे वह MLA होण। इस राजनीतिक पार्टियां ने एक बिजनेस बना लिया राजनीति को, राजनीतिक बेसिकली लोगों को जाते हैं यह कहण वास्ते असी सानू चुनो फॉर द वैलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों की वैलफेयर वास्ते चुनो, पर जिवें जितया ने फिर अपनी वैलफेयर वास्ते काम करना शुरू कर दें, लोगों की वैलफेयर को एक किनारे कर दें। जिमें खरीद फरोख्त पैसे लेके टिकटा वंडिया जाए, उवें ही अगले फिर जिहड़े हैगे पैसे लेके दूजे कोल जाके विक जाने हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ता ही साडा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र की खूबसूरती ता ही जिंदा रहेगी जे ऐसा खरीदो फरोख्त वाला माहौल जो बंद होएगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी तेजी नाल साडे देश की एक दिमग की तरह खा रहा और बढ़ रहा। अगे ये बाली साहब ये जिहड़ा खरीदो फरोख्त वाला मसला आ, की वजह की है भी जिहड़ी भारतीय यह एक तरह ना बिजनेस बन गई है कि इनपुट दे रूप दे विच जो जिहड़ी सीटां खरीदियां जांदियां ने ते इन्वेस्टमेंट हुंदी आ चोणां दे विच, चोण प्रचार ते इन्वेस्टमेंट शराबां वंडण दे जिहड़े किस्से भी आम सुनने चाहुंदे ने और बाद विच बिक भी जांदे MLA, इह की गल है, वजह की है इहदे पिछे? देखो पंजाब दे ही साडे जो सरकार हुण बनी हुई है उहदे खेल देख लो, करोड़ां रुपया जिहड़ा हैगा
दिल्ली के लीकर माफिया का तो दिल्ली के होर बड़े इंडस्ट्रीज का जोड़ा हैगा वो पंजाब वरत्या गया एड तो लेके हर तरह की मीडिया तो लेके हर पासे पैसा वंड के एक दिखाया गया कि पता नहीं किड्डी वड्डी है आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी जी है तो किड्डे काम करेगी। तो बाद 92 MLA जित के आए जो राज्यसभा की वारी आई जी 92 MLA की इनवैसटमेंट की हुई सी और राज्यसभा की 5 फीटा बीच बेच के जड़ा हैगा वो अपनी इनवैसटमेंट की रिकवरी करनी शुरू करती। उही एक्साइज पॉलिसी जिम्मे तुम्हें कल देखे एक बड़ा स्टिंग भी जो वायरल होया 100 करोड़ रुपया कहते जोड़ा ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग मतलब 100 करोड़ रुपया का अरविंद केजरीवाल ने एक लीकर माफिया अपने च शामिल करने वास्ते भी हूँ तू मेरा चेला है तू हूँ तू मैनू पाल मैं तेनू पालूंगा तो उन्होंने लेके 100 करोड़ की डील तो ज्वाइनिंग है हाले तो बिजनेस होना दोवे च इकट्ठा। सो ये इनवैसटमेंट ही बन के रह गया पब्लिक वैलफेयर का मुद्दा नहीं रह गया ये इनवैसटमेंट भी तुम 100 करोड़ 200 करोड़ इनवैसट करो तो अभी 500 करोड़ कल मिल के कमावे ये वो धंधा बन के रह गया। तो हूँ जो भी कहता कि भी राजनीति एक लोगों के वैलफेयर का काम है मैं लगता वो झूठ कह रहा है। फिर लोगों जे संविधान के अधिकार दिता गया वोट पाने का हक अपने उम्मीदवार चुन का हक चुने जाने का हक फिर वो हकों का दावेदारी या हकों की हकीकत की है। देखो वोट तो मैं लगता लोगों वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी बन के रह गई है कि किनू पाइए हर कोई आंदा वड्डे वड्डे वादे वड्डे वड्डे लालच लेके आंदा है। मैं तो लोगों को ये अपील करूँगा जिहड़ा सब तो ज़्यादा लालच दिंदा है उन्हें वोट ना पाओ इहदा मतलब सब तो वड्डा झूठ थोड़े नाल बोल रहा है। हुण जेब च थोड़े 10 रुपए नहीं तो तुम कह दो जी मैं खर्चा थोड़े 500 रुपए का कर दूंगा यदा मतलब झूठ बोल रहा ना वो सो उन्हों तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो लोगों को ये मानसिकता चेंज करनी पैनी। लोग फस जाने जी फ्री बिजली मिलेगी जी 1000 रुपया मिलेगा जी तो होर पता नहीं की कुछ क्या कहने बस सफर फ्री फलाना ये फ्री वो फ्री आ फ्री लोग ये तो असैस कर लेंगे कि पंजाब का बजट किन्ना है पंजाब से फिर कर्जा किन्ना है भी कर्जा किमें तारन गया देने किमें सो वो असैसमेंट लोगों को करनी पैनी हूँ अगे वास्ते देखना पैना कि सब तो ज़्यादा फ्री वाला काम और सब तो वध वंडन वाला काम कि पार्टी कर रही है तो उन्होंने तो एकदम क्रॉस कर देना चाहिए दे, मतलब थोड़ा बेवकूफ बना रही है और वो सब तो वध लुटेगी वो आके जो हुण हो भी रहा पंजाब दे विच। बाली साहब एक 25-25 करोड़ की चर्चा चल रही है भी आम आदमी पार्टी के पंजाब के MLA जो 25-25 करोड़ च खरीदने की कोशिश की जा रही है भाजपा के वलों तो एक MLA ने चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस के भी उठ के कहा भी मैंने धमकियां आ रही हैं किदा देख रहे हो इस वर्तारे को। देखो ये तो ड्रामेबाजी है हूँ जिहड़ा MLA उठ के कहता मैंने धमकियां आ रही एक ना ये संदीप पाठक ने जिहड़ा UP वाला पूर्वी आ जा तो वो वाला वो स्कीम घटता है भी आप चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस उठ जाना प्रभाव जाएगा मीडिया कहेगा देखो देखो धमकी आ गई वो पंजाब है ये एक बार बन लिया दोबारा नहीं बनते एक बार मूर्ख बना लिया तो दोबारा नहीं बनते भी यार तुम देखे नहीं हो इन्होंने जनरल सैकटरी की वीडियो जिहड़ा कहना साढ़े से फोन करवाते रहे और वो देखा केजरीवाल कह रहा है BJP साढ़े MLA खरीद रहा है तो पंजाब 2017 भी इन्होंने ऐं किया कांग्रेस के अकाली बन के सो यदा सिर्फ जब कंप्लेंट देन गए की लभ्या कंप्लेंट हरपाल चीमा कहता जी मीडिया ने कहा सानू दसो तत्थ दो जी सारे वो कहना DGP कंप्लेंट दे के सारी कंप्लेंट मीडिया से वंडी जाऊगी किनू वंडी भी कंप्लेंट FIR तक नहीं ऑनलाइन चढ़ाई हूँ तक कंप्लेंट का बड़ी दूर की गल है अननोन परसन चीका मार मार कहते थे जी फलानी पार्टी ने करता फलानी पार्टी को जो मैं हूँ नाम लूँगा क्योंकि हूँ पंजाबियों ने एक होर मैं सतर्क कर देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी कहन लग गई जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछता उन्होंने कहन लग गई BJP का ये हूँ ऐ कहन लग गए तो सारे पंजाब वाले तैयार रहन हूँ BJP के वर्कर बनने वास्ते और अपने आप को BJP का कहान वास्ते हूँ आम आदमी पार्टी ठोडे दे वोटां लेके थोनों हूँ वो BJP जिन्हों पंजाब ने कभी घा नहीं पाया कभी नेड़े नहीं लगन दिया हूँ थोनों वो BJP वाला कह के आम आदमी पार्टी संबोधित करे करेंगे तैयारी खिंच लो अपनी हूँ तो ये दाग थोड़े तो लाने जा रहे हैं वो फिर हूँ उही गल आ गई कि यह सारी ड्रामेबाजी है चक्कर सिर्फ ये पै गया भगवंत मान जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री बना तो दिया केजरीवाल ने तो हुण राघव चड्डे भगवंत मान की बन नहीं रही तो अरविंद केजरीवाल अपने होने वाले जवाई जो मीडिया से खबरें सीगियां हूँ पता नहीं है नहीं है पर मीडिया को खबरें सीगियां मसा मसा तो केजरीवाल ने अपने होने वाले जवाई को पंजाब गिफ्ट दिता सीगा भगवंत मान वो भी खोन लग गया उते तो मैं लगता हूँ जवाई की मंग पूरी करते हुए शायद कोई दूआ नवा प्रौना जिहड़ा हैगा वो लिया जाऊगा पंजाब वो रौला होर कोई रौला नहीं हैगा ये सरकार तो इन्हां दी आपे तोड़ लेनी इन्हां ने वो टुटण दे किनारे सीगी ये ऑपरेशन लोटस नहीं ऑपरेशन झाड़ू चलन लग्या था
झाड़ू झाड़ू फिरन लग्या था उन्होंने बचाने वास्ते ने एक ड्रामा रचता और हुण देख लो 18 तरीक नूं जाके गांधी जी की मूर्ति मूहरे बैठणगे 92 गूंगे ते नाल केजरीवाल इहनां दा जिहड़ा मास्टर वह भेडां नहीं हुंदियां पहाड़ च मूहरे मूहरे एक तुर रहा हुंदा मैं हुण नाम लऊंगा नहीं फिर चीकां मारनगियां भेडां इह ते वह मूहरे मूहरे तुर रहा हुंदा भेडां पिछे पिछे जो खाई च गिर जावे ना भेडां भी खाई च गिरदियां सोचदियां नहीं क्या होया हुण 92 भेडां जाके महात्मा गांधी दी मूर्त मूहरे बैठणगियां और केजरीवाल कहूगा बापू जी हमें बचा लो गुजरात आपका ही है तो हम गुजरात इलेक्शन लड़ने वास्ते भेडा लेके उत्थे बैठे गए। ये ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा पंजाब च नहीं सिर्फ ड्रामा रचा जा रहा जेड़ा भी कोई मैं कहना पढ़िया लिखा बड़ी दूर की गल है पंजाब का थोड़ा जहा भी सूझवान जोड़ा इंसान है वैसे तो पंजाब बहुत सूझवान बंद धरती हैगा है ही पंजाबी राज कर रहे पूरे वर्ल्ड से वह भी जानता है कि दो MLA वाली पार्टी दूजी पार्टी चो 62 MLA किमें तोड़ लूगी पॉसिबल है फिर तो हिसाब ना BJP हूँ तक सारे देश जिते सरकार नहीं भी है उत्थे तोड़ के कर लें कम फिट तो कर लेंदी सिर्फ फिर ड्रामा है इन्होंने ऑपरेशन हरपाल चीमा ऑपरेशन फौजा अपना अपना फौजा सिंह ऑपरेशन पठान माजरा ऑपरेशन गज्जन माजरा ऑपरेशन ग्यासपुरा ऑपरेशन हरजोत बैंस ये सारे ऑपरेशनों जिहड़ा ऑपरेशन केजरीवाल की करप्शन कर रहे हैं उन्होंने लुकाने वास्ते एक ड्रामा रचता। एक होर बयान आ रहा जी भी BMW समझौता हो गया अपने भगवंत मान जी कह रहे हैं तो दूजे पास ये भी खबर आ रही है कि BMW पता भी नहीं है इस गल का। देखो BMW ने बकायदा चिट्ठी कढ के कहा कि साडा कोई यह जहाँ इरादा नहीं है साडी ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट एक लगी हुई है चेन्नई के असी उत्थे ऑपरेशन कर रहे हैं साडा होर किसी सूबे पंजाब स्पेसिफिकली लिखा तो पंजाब साडा कोई नवा प्लांट खोलण का या कोई ऑपरेशन खोलण का साडा इरादा नहीं है ना साडी कोई गलबात किसी नाल होई है। ये ठीक भगवंत मान का बयान उस तरह ही है जिस तरह यह ऑपरेशन लोटस है जिवें ऑपरेशन लोटस कुछ नहीं है उम्मीद BMW वाला सौदा भी कुछ नहीं है रौला यही कहानी है सिर्फ यह हमेशा यह सोच रहे हैं कि जिमें केजरीवाल मूर्ख बना रहे ना सारू तो भगवंत मान सोच रहा शायद मैं भी हूँ केजरीवाल मुख्यमंत्री मैं बन गया तो मैं सूबे का इकलौता मुख्यमंत्री है तो मैं भी लोगों का फुद्दू खिंच के देख लवा पर पंजाब वाले ने यह इन छेती काबू नहीं अज हो तो गया यह हूँ भगवंत मान जी दस दौ तुम वो किम था जी गल अज अखबारों कढ़ाई है कि भी काम बोलता वो किम बोलता साढ़े तो काम बोलता हों काम कूमता इधर इन्होंने पूर्वियों से बोलता हों हूँ किूर्वी वाला काम है वह दस दें एक एक बालिया साहब बड़ी दिलचस्प गल कर रहे हैं एक होर गल जानना चाहेंगे थोड़े को पंजाब के भगत सिंह की पग बनी आ अपने भगवंत मान जी ने भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा ला के अगे आए हैं तो जो गुजरात जाते हैं तो गांधी की भगती के बैठ जाते हैं महात्मा गांधी की भगती बैठ जाते हैं हालांकि विचारधारक तौर पर यह दोनों शख्सियत एक दूजे के खिलाफ खड़िया से इन दी मानता जी आम आदमी पार्टी वालों दोनों की की जा रही है थां थां ते इनू किदां देखदे हो। देखो मैं तो शुरू तो कहता आ रहा हाँ शहीद आजम भगत सिंह होने चाहे जे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होण इन्हां वास्ते सिर्फ दोनों शख्सियत जिहड़ियां हैगियां इह वोट बैंक की राजनीति तो अलावा कुछ नहीं है कोई लेना देना नहीं। उस तरह ही गांधी जी का जिहड़ा महात्मा गांधी जी का जिहड़ा इस्तेमाल है गुजरात करन जा रहे ने और कर रहे ने वह भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है क्योंकि गुजरात के शहीद आजम भगत सिंह का नाम नहीं चलना इन्ना ज़्यादा 10% होएगा अणखी जिहड़े उत्थे नौजवान बैठे ने क्योंकि गुजरात का देश की आज़ादी च गर्म दल लेके नरम दल तो महात्मा गांधी जी से उत्थे गर्म दल को लेके गुजरात का कोई ऐसा खास रोल नहीं रहा कोई यह जी शहीदियाँ कोई यह चीज़ें गुजरात उस लैवल पर नहीं हुई है जिस लैवल पर बाकी पूरे देश हुई ने तो इस करके वो नरम दल के नेता जेडे उत्थे महात्मा गांधी जी हैं तो उन्होंने उत्थे ज़्यादा प्रभाव रहा या वल्लभ भाई पटेल का प्रभाव ज़्यादा रहा है ता ही तो मैं कह रहा भी पहला भी यह दिल्ली वाला ड्रामा करके राजघाट जाके बैठ गए थे तो हूँ फिर 92 गूंगे लेके राजघाट जाके बैठे उत्थे इन्हरी कहानी चलनी है महात्मा गांधी जी नाल उत्थे इन्हों डंडे का सहारा लेना पैना महात्मा गांधी जी का उत्थे भगत सिंह ने कोई लेना देना नहीं क्यों वो कंट्राडिक्शन आ जानी उन्होंने कहना यह दोनों विरोध एक दूए का मतलब आपसी जोड़े एक्सटरनल ना सही इंटरनल विरोधी सके एक दूए के क्योंकि वो चाहते थे कि कोई जेडे गर्म दलीए ने वो कित शांति वाली मूवमेंट में खराब ना कर देन गर्म दलीए कहें भी शांति ना कुछ नहीं होना माड़ा मोटा खड़का तड़का करना पैना तो दोनों च लॉट ऑफ डिफरेंस हैगा इस करके इन्होंने हुण उत्थे महात्मा गांधी जी नूं बेचना है तो उत्थे इन्हां दा कोई भगत सिंह नाल हुण जे पंजाब आणगे फिर दुबारा भगत सिंह नूं बेचना इन्हां ने शुरू कर देना। धन्यवाद जी बाली साहब समा देने लिए सन सतबीर सिंह जी बालिया बड़ी दिलचस्प गल्लां करके गए आ।
ते सवाल करके गए हैं, भारतीय राजनीति से भी सवाल किया उन्होंने कि की जिहड़ी लोक मत्ता जे जिस तरीके MLA एक पूर MLA का बिक जाता और बनी बनाई सरकार ढह ढेरी हो जाती है तो दूसरी पार्टी जिंदी जिहड़ी पार्टी नूं लोकां ने मतदान नहीं दिता हुंदा, जिहड़ी पार्टी नूं लोकां ने चुनिया नहीं हुंदा वो अपनी सरकार बना जाती है, सवाल भारतीय राजनीति के उत्ते है। नाल दी नाल उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी ते केजरीवाल सरकार ते भी सवाल किए आ कि किस तरीके नाल विचारधारा दे जिहड़ा बखरेवे आ उहदे बावजूद भगत सिंह नूं बेचा जा रहा, पंजाब च भगत सिंह नूं बेचा जा रहा, गुजरात च गांधी नूं बेचा जा रहा, वड्डे सवाल करके गए आ। ते और इन्हां सवालों तो बाद की जवाब देणगे कि केजरीवाल साहब जवाब देणगे जदों हरजीत गरेवाल जी कह रहे हैं कि असी तां 25 पैसे च खरीदण नूं तैयार नहीं है, वो कह रहे 25-25 करोड़ दे विच खरीदण साढ़े खरीदे जा रहे हैं MLA। कितने ये कहा जा रहा कि BMW दा प्लांट इत्थे पंजाब च लगेगा, ये सारे झूठ ने, झूठ का पलंदा आ। जे झूठ का पलंदा आ तां झूठ बोल के राजनीति कद तक असरदायक रहेगी।